मेरे पापा जी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए ना मेरे लिए, जो मुझसे बहुत प्यार करे, प्लीज। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से। कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है, लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है। इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली विट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़की की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो विट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में विट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है।
क्या हुआ, एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई, लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है, जिसे पंकज त्रिपाठी, सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग, जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था, तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बड़ीले की बर्फी फीकी है, लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बड़ीली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से, कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बड़ेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बड़ेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है, लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है, और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बड़ीले के बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़की की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बड़ीले की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो बिट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और
प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई, लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है, जिसे पंकज त्रिपाठी, सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग, जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था, तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बड़ीले की बर्फी फीकी है, लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से। कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है, लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है, और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़की की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है।
उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो विट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई, लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांगकर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है, जिसे पंकज त्रिपाठी, सीमा पावा, राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग, जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था, तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बड़ीले की बर्फी फीकी है, लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से, कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है, लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़के की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है
कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो विट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई, लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांगकर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है, जिसे पंकज त्रिपाठी, सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग, जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बरेली की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से, कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है, लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे
लड़के की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है। वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो विट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है। क्या हुआ एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांगकर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है जिसे पंकज त्रिपाठी सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा। वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बरेली की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से, कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से
दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली विट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़के की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है। वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो विट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है। क्या हुआ एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांगकर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है जिसे पंकज त्रिपाठी सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा। वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बरेली की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Z5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से। कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस
डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से ओ दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली विट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़की की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है। वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो विट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांगकर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है जिसे पंकज त्रिपाठी सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज़्यादा खींचा नहीं गया है। बरेली की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से। कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं।
जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बड़ीले की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से ओ दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली विट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़के की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बड़ीले की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो विट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांगकर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है जिसे पंकज त्रिपाठी, सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज़्यादा खींचा नहीं गया है। बड़ीले की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बड़ीले की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से। कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बड़ेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बड़ेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और
दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है। इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बड़ीले की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़के की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बड़ीले की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो बिट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है जिसे पंकज त्रिपाठी सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बड़ीले की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बड़ीले की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से, कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बड़ेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बड़ेले की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में
साधने की कोशिश की गई है, लेकिन हाव भाव और बातचीत से वह बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बड़ीले की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़के की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बड़ीले की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो बिट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई, लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है जिसे पंकज त्रिपाठी सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बड़ीले की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बड़ीली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से, कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बड़ेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है
और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है, लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़की की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो बिट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई, लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है, जिसे पंकज त्रिपाठी सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बरेली की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से, कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी
गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है, लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़की की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो विट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में विट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई, लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है जिसे पंकज त्रिपाठी सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज़्यादा खींचा नहीं गया है। बरेली की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से।
कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है, लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़के की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो बिट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई, लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है जिसे पंकज त्रिपाठी सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज़्यादा खींचा नहीं गया है। बरेली की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक,
पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से। कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है, लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है। इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़के की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो बिट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है। क्या हुआ, एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई, लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है जिसे पंकज त्रिपाठी सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बरेली की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी
और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से। कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है, लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़के की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो बिट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई, लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है, जिसे पंकज त्रिपाठी सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बरेली की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं।
अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से, कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है, लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़की की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे है और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो बिट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई, लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है, जिसे पंकज त्रिपाठी, सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बरेली की बर्फी फीकी है, लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है।
वहीं आप बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से। कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है, लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है। इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़की की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो विट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में विट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई, लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते है। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है जिसे पंकज त्रिपाठी, सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं,
पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बड़ी ले की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से। कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बड़ी ले के बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़के की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो बिट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है जिसे पंकज त्रिपाठी, सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला,
डिप्रेस करने भेजा था, तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बड़ीले की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वही अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बड़ीले की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से, कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बड़ेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बड़ेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बड़ीले की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़के की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बड़ीले की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो बिट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते है। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है जिसे पंकज त्रिपाठी, सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था।
ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था, तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बरेली की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से, कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़के की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो बिट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते है। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है जिसे पंकज त्रिपाठी, सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं।
सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग, जो फिल्म के क्लाइमेक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था, तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बड़ीले की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से, कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़की की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे है और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो बिट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते है। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है जिसे पंकज त्रिपाठी, सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं।
आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग, जो फिल्म के क्लाइमेक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था, तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बड़ीले की बर्फी फीकी है लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से, कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़की की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो विट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में विट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से
सिगरेट मांगकर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है, जिसे पंकज त्रिपाठी, सीमा पवार, राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग, जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था, तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बड़ीले की बर्फी फीकी है, लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से। कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है, लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है, और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बरेली की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़की की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो बिट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई, लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है।
इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांगकर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है, जिसे पंकज त्रिपाठी, सीमा पावा, राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग, जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था, तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बड़ीले की बर्फी फीकी है, लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बड़ीली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से, कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बड़ेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बड़ेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है, लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है, और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बड़ीले की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़के की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बड़ीले की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो बिट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या
ई सिगरेट क्यों पीता है? क्या हुआ, एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई, लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है, जिसे पंकज त्रिपाठी, सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग, जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था, तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बड़ीले की बर्फी फीकी है, लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में इन दिनों महिला केंद्रित फिल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। कंगना रनौत की क्वीन हो या फिर तापसी पन्नू की पिंक, पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर लगातार अभिनेत्रियां छाई हुई है। ऐसी कहानियों को कभी कॉमेडी के जरिए दर्शकों के सामने परोसा जाता है तो कभी गंभीरता से, कभी फिल्मों में ये फॉर्मूला हिट कर जाता है और कभी ढीली स्क्रिप्ट और एक्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाती है। बरेली की बर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले नील बट्टे सन्नाटा जैसी गंभीर फिल्म बना चुकी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर इस बार अपनी लीड कैरेक्टर कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग की वजह से मार खा गई है। कृति सैनन बहुत ही खूबसूरत है और फैशनेबल भी, और इस फिल्म में यही उनकी कमजोरी है। बरेली की एक साधारण सी लड़की के रोल में वो फिट नहीं बैठता है। कॉस्ट्यूम के जरिए उन्हें कैरेक्टर में सांधने की कोशिश की गई है, लेकिन हाव भाव और बातचीत से वो बनावटी लगती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर की कमजोरी का फायदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल कर रहे राजकुमार राव और दूसरों को मिलता है और वो पूरा लाइमलाइट खींच ले जाते हैं। राजकुमार इस फिल्म में प्रीतम विद्रोही के किरदार में है, इतने दमदार है कि आयुष्मान खुराना और कृति सैनन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जब ये फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म में जान आ जाती है। बड़ीले की बर्फी एक ऐसी लड़की बिट्टी की कहानी है जो अंग्रेजी फिल्में देखती है, सिगरेट पीती है और छत पर खुले में ब्रेक डांस करती है। उसके अंदर हर वो गुण है जो समाज कभी भी एक लड़की में हो तो उसे अवगुण ही मानता है। अब इस वजह से वो दो दो बार उसकी एंगेजमेंट होते होते रह गई है। बिजली विभाग के शिकायत डिपार्टमेंट में काम करने वाली बिट्टी को शादी के लिए ऐसे लड़की की तलाश है जो कम से कम उससे ऐसे सवाल तो ना पूछे कि क्या वो वर्जिन है, वो जैसे भी है उसे पसंद कर ले। वो कहती है कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है अच्छे हैं और उसे पसंद है। वो घर से भागने की सोचती है और फिर स्टेशन पर बरेली की बर्फी किताब पढ़ती है और वापस लौट आती है। उसे लगता है कि लेखक प्रीतम विद्रोही ने अपनी किताब में जिसके बारे में लिखा है वो बिट्टी ही है। प्रीतम विद्रोही को खोजने का सिलसिला शुरू होता है और उसी मुलाकात चिराग से होती है। दोनों की दोस्ती होती है और
प्रीतम विद्रोही के आते ही कहानी लव ट्रायंगल में बदल जाती है। फिल्म के एक सीन में बिट्टी अपने पापा से कहती है कि बेटा होता तो लोग कहते क्या ये सिगरेट क्यों पीता है, क्या हुआ। एक दो बार एंगेजमेंट होते होते रह गई, लेकिन उस पर सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। इस सीन में कृति इतनी भावहीन दिखती है कि इतना गंभीर विषय पर भी दर्शक के अंदर कोई भाव नहीं जगा पाता। इस फिल्म में बिट्टी की मां के किरदार में अभिनेत्री सीमा पावा खूब जमती है। पंकज त्रिपाठी ऐसे पिता के किरदार में है जो बेटी से सिगरेट मांग कर पीते हैं। ये फिल्म करीब 1 घंटे 50 मिनट की है, जिसे पंकज त्रिपाठी, सीमा पावा और राजकुमार राव जैसे दमदार एक्टर्स भी नहीं बचा पाए हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, और इस बार भी वो स्क्रीन पर तब तक जमे है जब तक फ्रेम में राजकुमार राव नहीं है। राजकुमार के पर्दे पर आते ही आयुष्मान सपोर्टिंग एक्टर जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा अखरती है कृति सैनन की कमजोर एक्टिंग, जो फिल्म के क्लाइमैक्स में भी इतनी भाव शून्य दिखती है कि सब फीका पड़ जाता है। हीरोपंती और दिलवाले में कृति को पसंद किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो कहीं कहीं हंसाती भी है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग भी है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि ये तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, डिप्रेस करने भेजा था, तुम तो इम्प्रेस करके आ गई हो। चिराग के पिता ने सोचा था कि लड़का बड़ा होकर नोट छापेगा, वो छापता तो है पर पैसा नहीं, पैम्पलेट्स इत्यादि। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। बड़ीले की बर्फी फीकी है, लेकिन फैमिली के साथ एक बार देखी जा सकती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है।